सब्सक्राइब कीजिए एमडी टेक्निकल चैनल को और लेटेस्ट सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। हेलो गाइस, एमडी टेक्निकल में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको कि आप देख सकते हैं कि ये 12 स्लॉट का हमारे पास में स्टेटर है, फ़ैन का, सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है 12 स्लॉट। और इसकी जो कॉइल है, स्टार्टिंग कॉइल जल चुकी है लेकिन रनिंग कॉइल जो है वो ओके है। और दूसरी बात ये है कि ये हीटअप हो चुका है। हीटअप होने का कारण और इसकी स्टार्टिंग कॉइल जलने का कारण, और आप ये देख सकते हैं कि ये जो फ़ैन बना है ये किस तरीके से बना है, और काफ़ी डिफरेंस आएगा हम जो फ़ैन बनाएंगे उसमें और ये जो फ़ैन है बना है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो लेड वायर हैं, लेड वायर पूरी तरह से बस्ट हो चुके हैं, ये यहाँ से पूरा ख़त्म हो चुका है ये। और हीटअप होने का मेन कारण इसका होता है बेरिंग, जो मेन बेरिंग होता है वो हमारा 6202 होता है जो कि ऊपर की तरफ लगाया जाता है, इस पोजीशन में लगता है वो, और नीचे हमारा जो बेरिंग लगता है 6201। तो आप ये देख सकते हैं HCH का ये बेरिंग है और इसमें लिखा हुआ है 6201, ठीक है। हमेशा इसमें 6201 का ही बेरिंग होता है अधिकतर, और कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई से पंखे में ऐसा होता है, जैसे खेतान या अपना सुजाता हुआ, उनमें क्या होता है कि पंखे थोड़े भारी रहते हैं, बड़े रहते हैं, तो उनमें एक जैसे बेरिंग लगा देते हैं, मतलब कंपनियों से बने हुए होते हैं वो। तो आज की इस वीडियो में हम इस स्टेटर को कंप्लीट करेंगे और इसके बारे में बताऊंगा कि मैं इसमें टर्न कितने देना है स्टार्टिंग और रनिंग। और आपको ये बता दूं मैं कि ये पंखा बना है 35 नंबर वायर से बनाया है, और लेकिन ये 35 से नहीं बनता है, 36 से बनता है, 36 कॉपर वायर। तो इसे हम सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करने के बाद में इसमें हम पेपर डाल लेते हैं, उसके बाद की आगे की प्रोसेस में आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने कटिंग कर ली और इसमें पेपर डाल लिए हैं, कटिंग पेपर ही डाले हुए हैं जो मार्केट में मिलते हैं। और अब हम इसमें स्टार्टिंग कॉइल की वाइंडिंग करेंगे और स्टार्टिंग कॉइल में हम 36 नंबर कॉपर वायर की वाइंडिंग करेंगे, और इसमें जो टर्न होते हैं वो करीबन हम 380 के करीबन हम टर्न लेंगे इसके अंदर, और रनिंग में हम 400 के करीबन टर्न लेंगे। तो चलिए हमारी मशीन की ओर चलते हैं हम। इसमें अब 36 नंबर नेशनल का वायर है हमारे पास में, जो 36 नंबर वायर है तो कॉपर का वायर, ये हम इसमें डालेंगे, इससे वाइंडिंग करेंगे हम। और ये हमारी मशीन है, इस मशीन के माध्यम से इस स्टेटर की वाइंडिंग होगी। 12 स्लॉट अंदर स्टेटर है, तो हमने ये स्टेटर सेट कर दिया है हमारी मशीन में, और इसमें हम टर्न 380 टर्न देंगे हम कॉपर वायर से, और गेज नंबर है 36। हमारे स्टेटर में स्टार्टिंग कॉइल हमने डाल ली है, अब हम डालेंगे इसमें पेपर, और इसमें हमने जो टर्न दिए हैं 380 के करीबन टर्न है इसमें 36 नंबर कॉपर वायर से। और अब मैं पेपर कैसे डालते हैं इस स्टेटर में वो बताऊंगा मैं आपको। इस प्रकार के हमें छोटे छोटे स्क्वायर में ये पेपर काट लेना है, उसके बाद हमें इन्हें मोड़ना है, इस प्रकार से इसे मोड़ना है। अब ये करेंगे कि इन, आप देख रहे होंगे कि हमने जो पेपर डाले थे इन पेपरों के बीच में
हमारा जो वायर है वायरों के बीच में हमें इसे डालना है इस प्रकार से और इसे खसका देना है और थोड़ा सा दबा देना है, बस इतना करना है। तब सभी स्लाडों में पेपर डालना है हमें इसी प्रकार से। स्टार्टिंग कॉइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमने रनिंग कॉइल के लिए पेपर डाल लिए हैं। अब हम मशीन की ओर चलते हैं और रनिंग कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। सीलिंग फैन जलने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि बेरिंग का जाम होना और अधिकतर पंखे में 2.5 MFD का कंडेंसर लगता है, तो 3.25 MFD का कंडेंसर लगा देते हैं हम। 3.15 का कंडेंसर जो रहता है, 3.15 कंडेंसर जैसे बोलते हैं हम, वो लगा देते हैं तो भी पंखा जल जाता है। हालांकि होता क्या है, स्पीड तो तेज़ आती है लेकिन कुछ समय बाद में वो पंखा जल जाता है। तो ये कारण होते हैं पंखे जलने के, और भी बहुत सारे कारण हैं जलने के, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए।